मैंने आज तक न्यूज तक नहीं बोली है, लाइक जो असेंबली में बोलते हैं ना. आई हैव नेवर डन दैट. नेक्स्ट टाइम इट्स गोना बी इजीियर, एंड एवरी टाइम द नेक्स्ट टाइम यू रेज योर हैंड इट्स गोना गेट इजीियर. द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज व्हाट इज इंपोर्टेंट, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग. यही तो गलती है. आप लोग क्या करते हो ना, इंग्लिश का ऑपरेशन कर देते हो, उससे टुकड़े बना देते हो. ये रही वो वोकैबुलरी, वो मैं कल करता हूँ. ये रही ग्रामर, वो आज छू देता हूँ. ये रही कुछ और, ये कुछ और, ये कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है. देखो हम इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन का मतलब ये होता है आप ऊपर से देख रहे हो अपनी प्रॉब्लम को. ये जो प्रॉब्लम है इसको आप ऊपर से देख रहे हो. प्रॉब्लम क्या है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ या मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ कॉन्फिडेंटली. सोल्यूशन है सिंपल, टूटी फूटी जैसी भी आती है. ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच. अगर उसका ऑपरेशन करोगे, चलो ग्रामर आज मैं एक्सरसाइजेस करूंगा ग्रामर की, ऐसे नहीं करना है. आपको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में भाषा कैसे सीख सकते हो. हिंदी क्या टुकड़ों में सीखी थी, आज मम्मी छोटी ही की मात्रा सिखाएगी, कल पापा मेरे को बड़ी ही की मात्रा सिखाने वाले. ऐसे थोड़े होता है, नहीं होता ना ऐसे, है ना. आप टॉप डाउन देखो ना. प्रॉब्लम है इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, सोल्यूशन है जितनी आती है उससे करो. ग्रामर वोकैबुलरी सब बदले बदले एक्सेंट की जहाँ तक बात है, एक्सेंट कुछ एक्सेंट क्या होता है, एक्सेंट कोई क्यों बनना है. हमें ब्रिटिश, हमें क्यों अमेरिकन बनना है, हम इंडियन का आपको बनना है. हम बहुत अच्छे हैं एज इंडियन, हम इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे. मुझे कॉमेंट्स आते हैं ऐसे.